नमस्कार दोस्तों, मुझे लाइब्रेरी में देख के आप चौंके मत, आपके लिए ही बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ। कितना परेशान कर दिया आपके सवालों ने कि हाँ भैया कब हमारा यूट्यूब चैनल बनेगा, कैसे बनेगा, आप बताते क्यों नहीं है, बाकी इतनी वीडियोस आपने बनाई हुई है, ये वाली वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो फाइनली मैं लाइब्रेरी में आ गया हूँ और मैं यहाँ से एक ऐसी बुक निकालूंगा और उसके ऐसे पन्ने पलटूंगा और उसमें से ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा जो मैं आपको बता सकूं कि कैसे यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं मात्र 2 मिनट में। मेरे पास कितनी सारी वीडियोस का कलेक्शन है आपको पता ही है, लेकिन ये वीडियो जो है बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कहते हैं कि भैया मुझे गाना अच्छा आता है, भैया मुझे डांस अच्छा करना आता है, भैया मैं बहुत बढ़िया एंकरिंग करता हूँ, भैया मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन क्या है कि कैसे दिखाऊँ, फेसबुक पे डालता हूँ तो लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, मुझे अपना चैनल बनाना है पर मुझे ये नहीं पता कि मैं अपना चैनल कैसे बनाऊँ। तो मैं आपके लिए आज इतनी बढ़िया वीडियो लाया हूँ जिसे देखकर आप मात्र 2 मिनट के अंदर अपना YouTube चैनल बना पाएंगे। और आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि मात्र 2 मिनट के अंदर कि आप अपना चैनल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है www.google.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको ये एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में एक ऑप्शन आता है कि जीमेल आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे जीमेल साइनअप भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये ऑटोमेटिक आ रहा है जीमेल साइनअप, आप यहाँ पे लिखिए। एक अकाउंट आता है क्रिएट अस जीमेल अकाउंट, आप इस पर ज़रूर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करो। एक न्यू विंडो खुलेगी, इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप डाल दीजिए ABCD और लास्ट नेम भी आप ABCD डाल सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम की पूछता है, यूज़र नेम में आपको क्या डालना है। कई लोग बहुत ही अनोखे यूज़र नेम डालते हैं ताकि जीमेल उसे ऐसा ट्रैक करता है कि भाई किसी और ने ना ले रखा हो, तो वो अच्छी चीज़ है। बट तो यूज़र नेम कितना भी डाल लो, जीमेल कहीं ना कहीं कहता है कि भाई ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। तो जीमेल का रिकमेंडेड आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डालता हूँ, कोई भी नाम ले लेते हैं, दीपक ले लेते हैं, अगर मैं दीपक के नाम से कोई डालता हूँ Deepak101, ये कहेगा कि ऑलरेडी ये ले रखा है, जैसे मैंने कहा था दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर। तो ये अपने आप ही एग्जांपल भी कई बार देता है, अगर नहीं होता तो इसे आप ये कर सकते हैं 1110010, ये आप ले लीजिए, ये नहीं ले रखा तो ये आपका यूज़र आईडी हो गया। पासवर्ड आप डाल दीजिए, पासवर्ड एक यूनिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी आपका चैनल ट्रेस ना कर पाए। और इनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करोगे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक यूनिक पासवर्ड ही मांगते हैं। उसके बाद आप इसे नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ फ़ोन नंबर मांगता है, फ़ोन नंबर कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ अपना नंबर, वो आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको नंबर टाइप करके अपना नंबर टाइप करना है और उसके बाद इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे एक वेरिफिकेशन कोड ये मांग रहा है, देखिए आप लिखा हुआ है एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसको आपने डालना है। जैसे मेरे पे आ गया है 190932, तो 190932 डालिए और उसके बाद अब वेरीफाई मैं कर रहा हूँ तो ये वेरीफाई हो चुका है। 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये उस क्षण के लिए होता है जब आपका कोई डिस्क्रिपेंसी हो रही है या आपका जीमेल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो लॉगिन नहीं हो रहा, तो रिकवरी ईमेल एड्रेस डालोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा। दूसरा यहाँ मंथ इन ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगता है, तो जनवरी, इसमें बेसिकली ये चेक करता है कि आप 18 अबव हो या नहीं हो, जनवरी, और डेट आप डाल दीजिए 01 और ईयर 2000। जेंडर डेट डालेगा, जेंडर मेल डाल दीजिए, इसमें नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट करोगे और कुछ नहीं करना, इसे स्किप करो। जैसे स्किप करोगे लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन जो भी ये बताता है एग्री कर दो, नहीं करोगे तो अकाउंट नहीं बनेगा, आई एग्री आपको करना ही पड़ेगा। आई एग्री करते ही 2 ऑप्शन हैं, पहला YouTube यहाँ पे भी आ जाता है, कई विंडोज़ में YouTube नहीं आएगा तो आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ से सर्च कर लेना, तीनों का एक्सपेक्ट एक ही है, न्यू टैब खुलेगी। जैसे ही मेरी न्यू टैब खुली आप देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन को क्लिक करिए, और जैसे ही आप साइन इन को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो जीमेल का अकाउंट है उससे यूट्यूब आप देखेंगे वो लॉगिन हो जाएगा। देखिए हो गया ना, ये मेरी आईडी आप यहाँ क्लिक करोगे तो ABCD Deepak11100@gmail, तो आपका यूट्यूब अकाउंट बन गया। तो दोस्तों कोई भी ईमेल आईडी हो, चाहे याहू की हो, रेडी मेल की हो, चाहे वो जीमेल की हो,
कहीं भी आप डालेंगे तो यहाँ से YouTube से वो लिंक हो जाती है, ये कहीं और से स्पेशल आईडी नहीं आती। आप जो स्पेशल जो ईमेल आईडी यूज़ करते हैं वही इसमें यूज़ होती है। उसके बाद अब आप चैनल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करिए, राइट, आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट क्लिक करते ही आपको ये यूट्यूब स्टूडियो मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपका नेम है ABCD जो हमने डाला था, हैंडल जो होता है यूट्यूब हैंडल चैनल का ABCD WE2YL, यहाँ क्रिएट चैनल करिए, अपलोड पिक्चर भी कर सकते हैं, क्रिएट चैनल। जैसे ही क्रिएट चैनल आप करोगे देखिए कर्सर घूम रहा है, अब ये आया ओप समथिंग वेट रॉन्ग, इसे रिफ्रेश करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नेटवर्क एरर कई बार आ जाता है। और ये देखिए वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, मतलब मेरा चैनल तैयार हो चुका है। दोस्तों आज मेरा चैनल तैयार हुआ है, आप इसे फॉलो करेंगे आपका भी खुद का चैनल होगा, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा चैनल ऑन करना है, मेरा चैनल आप बनवा कर दे दो, कोई पैसे मांगता है कोई कुछ, फ्री का काम है, दो मिनट की वीडियो है, अपना चैनल बनाओ, यहाँ से अपलोड करो और यहाँ से सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने, मात्र दो मिनट में हमने कैसे अपना YouTube चैनल बना लिया। तो देखा दोस्तों YouTube चैनल बनाना कितना आसान है, सरल है, मात्र दो स्टेप हैं, एक Gmail अकाउंट बनाना और दूसरा YouTube पे लॉगिन करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करना और जल्द ही आपका चैनल स्टार्ट भी हो जाएगा। बट कैसे हमें मोनेटाइज करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो एक सीरीज बहुत लंबी है, धीरे धीरे उस चीज़ को हम कवर करेंगे। तो अभी YouTube चैनल मैंने बनवा दिया आपका, अभी उस पर ध्यान दीजिए। तो अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा वो बताऊंगा कि आप अपना चैनल कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना।